मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख के क्योंकि लगा रहे कि वीडियो में सैवेज था अन्यूम के साथ और अब वो साथ में गाने मतलब अन्यूम को डिपिक्ट कर रहे थे और अब वो अन्यूम के साथ गाने भी बना रहे हैं। कई गाने आ चुके हैं, दोनों का आई थिंक 3 या 4 गाने आ चुके हैं अभी तक। तो बाकी सारी बातें बाद में, लेट्स सी कट्टर कराची में क्या है। तो बड़ा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। ओह यस, सो 3, 2, 1 हियर वी गो। बूम-बैप वाली फीलिंग आते हुए ये जो पीछे सैंपल बज रहा है ना, ये पता मुझे वो वाला इंस्ट्रूमेंट लग रहा है जिसमें अबे वो जो रोड के साइड में कई लोग बजाते हुए क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई जो उसको इतना सा होता है, हमारा देसी वायलिन जो भी होता है ना, उसको मेलो वेलो में बेचते भी हैं, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों जैसे उस इंस्ट्रूमेंट का साउंड लेके उसको सैंपल करा हो के करके उमेर ने बीट बनाया, उमेर ने बीट बनाई है, उमेर की बीट है भाई गाने पे। ठीक है, पानी है उर्दू रैप साथ। क्या पानी है? पानी है उर्दू रैप साथ। पानी है उर्दू रैप साथ, मुझे ऐसे ही लगा बानिए बोला। आई थिंक वही बोला। जैसे पुशा टी और कानिए वेस्ट साथ, पुशा टी कानिए वेस्ट साथ। क्या बात है, पुशा टी कानिए वेस्ट के बड़े सारे फाड़ गाने आए हैं इससे पहले साथ में। तो ये अपने सैवेज और अंजुम को बोल रहे हैं कि हम लोग जैसे पुशा टी और कानिए वेस्ट साथ, तू रैप साथ। जैसे पुशा टी और कानिए वेस्ट साथ, मर्डर सिटी बेंस वो भी चाहिए मुझे एस क्लास। इनकी पूरी लाइफ मेस जैसे मेरा डेस्कटॉप, रहता हमेशा पीछे मेरे लाइक अ बैकड्रॉप। फक अराउंड एंड गेट शॉट, उर्दू रैप का बाप हूं मैं, ऑल आई डू इज दैट टॉक। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अभी सैवेज का वर्स चल रहा है, अंजुम का वर्स बाद में आएगा, बट ये तो फटफट हो गया मामला। ऐसे कैसे, इनकी पूरी लाइफ मेस जैसे मेरा डेस्कटॉप, रहता हमेशा पीछे मेरे लाइक अ बैकड्रॉप। फक अराउंड एंड गेट शॉट, उर्दू रैप का बाप हूं मैं, ऑल आई डू Dead talk, एक मिली माइक पे तो महंगी मेरी रैक टॉक, मेरे सर के ऊपर से वो जाती जैसे फ्लैट टॉप। सर पे इनके रेड डॉट कर रहे हैं ये रेड टॉप। मुझे पता है वैसे वो साइफर वाली फील आ रही है, उस टाइप के जो साइफर होते हैं जिसमें लोग फ्री वर्स ड्रॉप करते हैं एक दूसरे के बाद, है ना, लाइक टैग टीम वाली फीलिंग आती है कि इसने अपने बार्स मारे, फिर दूसरे ने अपने बार्स, फिर ये चार बार्स का गेम चल रहा है, वैसी वाली फील आ रही है। मजा आ रहा है, दिस साउंड्स वेरी अंडरग्राउंड, है ना। मुझे लग रहा था कि प्रॉपर गाना गाना होगा, लेकिन ये तो मुझे लग रहा है कि प्रॉपर बार फेस्ट होने वाला है। ऊपर से वो जैट टॉप, एक मिली माइक पे तो महंगी मेरी रैप टॉक, एक मिली माइक पे तो महंगी मेरी रैप टॉक, आई थिंक मेरे सर के ऊपर टू इज दैट टॉक, एक मिली माइक पे तो महंगी मेरी रैप टॉक। 10 लाख लेते हैं भाई माइक पे, ठीक है, समझ रहे हो। तेरे सर के ऊपर से वो जाती जैसे फ्लैट टॉप, सर पे इनके रेड डॉट कर रहे हैं ये रेड टॉक। लाइफ मेरी गेम सिटी, मेरा लॉस सैंटोस, गवाना सुबूत तो ये। अरे यार, ये तो बहुत मजेदार गाना है ब्रो, ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार, लाइक मजे आ गए। बड़े दिनों बाद कोई ऐसा गाना सुनने को मिल रहा है जिसमें बार्स आ रही है खूब सारी और बहुत सारे वर्ड प्ले चल रहे हैं, ठीक है। सर पे इनके रेड डॉट करते ये रैट टॉक, आई थिंक मेरे सर के ऊपर से वो जाती जैसे फ्लैट टॉप, सर पे इनके रेड डॉट कर रहे ये रैट टॉक। लाइफ मेरी गेम सिटी, मेरा लॉस सैंटोस, GTA Vice City, लाइफ मेरी गेम सिटी लॉस सैंटोस, मेरी लाइफ गेम है जैसे GTA Vice City जिसमें बहुत सारा क्राइम था, मेरी सिटी इज लाइक लॉस सैंटोस कराची, राइट। गवाना सुबूत तो रहते अपने मास्क ऑन, गुरु मेरा जोखे जे क्रू जैसे गैंगस्टर। डैम, है ना, जोखे भाई को भी यहाँ शाउट आउट। और क्या तो रहते अपने मास्क ऑन, गुरु मेरा जोखे जे क्रू जैसे गैंगस्टर। ये गैंगस्टर ये क्या बोला मुझे समझ नहीं आया, जे समथिंग जे क्रू जैसे गैंगस्टर, जे क्रू, आई थिंक जे क्रू ही बोला था क्या, जे क्रू बोला था क्या। तो रहते अपने मास्क ऑन, गुरु मेरा जोखे जे क्रू जैसे गैंगस्टर। प्ले मेकर भाई तेरा जैसे इनिएस्टा, रहता हूँ मैं बादलों पे, नेबर है एलेक्सा, ट्विन सिटी जानती है सेक्टर। रहता हूँ मैं बादलों पे, नेबर है एलेक्सा, आई थिंक यही है, बिकॉज एलेक्सा इज इन द क्लाउड, टेक्निकल क्लाउड, ये भाई अपने बादलों में रहता है, तो दोनों क्लाउड और बादल साथ में मिला दिए, एलेक्सा एंड एलेक्सा इसकी नेबर है क्योंकि ये बादलों में रहता है। डैम, टू सेक्टर फैन है तेरा, फेवर है एलेक्सा, ट्विन सिटी जानती है सेक्टर, टू सेक्टर फैन है तेरा, फेवरेट रैपर तेरा, फेवरेट एक्टर। पुल अ पीस आउट, सब कहेंगे पीस बाय पीस, सर पे तेरा फेवरेट एक्टर। पुल अ पीस आउट, पुल अ पीस आउट,
सब कहेंगे पीस भाई पीस, सर पे दो फायर, मौत बड़ी पेनलेस चीज। रैपर्स एक्ट टफ अंटिल दे सी दैट स्टेनलेस स्टील, रैपर्स लेबल पे है साइंड देयर एमलेसली। फ्री वर्स की भी अमाउंट लेते हैंडसम। बहुत मजा आ रहा है भैया, बहुत मजा आ रहा है मुझे। बहुत दिनों बाद किसी बड़े पॉपुलर आर्टिस्ट से जो है इतने बढ़िया बार सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि आई डोंट नो मैन, है ना, द मूवमेंट आर्टिस्ट जब पॉपुलर हो जाते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है रैपर्स जब पॉपुलर हो जाते हैं तो जो वो अंडरग्राउंड में वो खेलने ही खेलते थे बार्स पे बार्स पे बार्स, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बार्स वाला हाथ हल्का हो जाता है, एंड दे ट्राई टू मेक अ सॉन्ग विच फिट्स इन एवरी बडीज प्ले लिस्ट। मुझे वाली फीलिंग आने लगती है, नॉट फॉर एवरी रैपर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कृष्णा, है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो लिरिकल रैपर्स है, जो टॉप मेन स्ट्रीम लिरिकल रैपर है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर मुझे फील आती है जैसे अंजुम को भी अगर आप देखिए तो अंजुम जो है इस टाइप के गाने ज्यादा अंजुम पॉपुलर हो रहे हैं हिंदुस्तान में भी और दुनिया में भी, इसलिए क्योंकि वो जो उनके लव सॉन्ग्स हैं वो वाले, लेकिन जो अंजुम के इस टाइप के गाने आते थे थोड़े से आने वो कम हुए हैं, क्या मुझे ऐसा लग रहा है, सही है गलत है जो भी है कमेंट्स में बताओ, लड़ाई ना करा करो भाई, हम दोस्त हैं, हम बात कर सकते हैं, राइट, मैंने कुछ गलत बोला तो कमेंट में बताओ, तुम गलत बोले मैं तुम्हें यहाँ बताऊंगा, लेकिन जो भी है ना, लेकिन इस टाइप का बार्स पे बार्स पे बार्स काफी टाइम बाद। मौत बड़ी पेनलेस चीज, रैपर्स एक्ट टफ अंटिल दे सी दैट स्टेनलेस स्टील, रैपर्स लेबल पे है साइंड देयर एमलेसली। फ्री वर्स की भी अमाउंट लेते हैंडसम, रैप करते सेंट्रल, बुलेट्स करती गेट टुगेदर, कुछ नहीं है जेंटल, हिप हॉप एसेंशियल, लड़के सारे मेंटल, फिंगर ऑन द ट्रिगर, लेफ्ट हैंड ऑन द चैम्बर। जिम वाला गाना भाई है, जिम वाला गाना है, लाइक फॉर श्योर ब्रो, लाइक जब भी मुझे एनर्जी फील करनी होगी ना, जब भी मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए होगा, जब भी मुझे वो, एक तो गाने की जो बीट पीछे बज रही है ना उसकी वजह से ये पूरा मूड बना हुआ है गाने का, बहुत टफ है, ठीक है यार, बड़ा कूल। टेंशन, लड़के सारे मेंटल, फिंगर ऑन द ट्रिगर, लेफ्ट हैंड ऑन द चैम्बर, कब्जे में है जगह इनकी, ग्रेट अलेक्जेंडर, ये टेके आके माता, स्टूडियो ही टेंपल, उर्दू रैप नी घर, इसको बना दिया भाई ने तेरे मेंशन। मेरा शहर ये कराची, नाके पे है लड़के, पापी सीना ठोक के बोलते लड़के, ये हुक है, ये हुक है, मैं तो मुझे लग रहा था इस गाने में हुक ही नहीं आएगा, मुझे ऐसा फील हो रहा था, मुझे लग रहा था खाली प्री वर्स काइंड ऑफ वाली फील आएगी, नो हुक्स, लेकिन अब आया। टेंपल, उर्दू रैप नी घर, इसको बना दिया भाई ने तेरे मेंशन, कब्जे में है जगह इनकी, ग्रेट अलेक्जेंडर, ये टेके आके माता, स्टूडियो ही टेंपल, उर्दू रैप नी घर, इसको बना दिया भाई ने तेरे मेंशन। मेरा शहर ये कराची, नाके पे है लड़के, पापी सीना ठोक के बोलते लड़के, हम कटर कराची, शहर ये कराची, नाके पे है लड़के, पापी सीना ठोक। भाई मैं सही बताऊं, जितने भी लोंडे कराची में रहते हैं ना, उनको तो एक तरीके से एंथम दे दिया, ठीक है, जितने भी लोंडे कराची की गलियों में स्ट्रीट्स पे है ना पाए जाते हैं, लोंडे सड़कों पे हरकतें करते हुए, उन लोग के लिए तो डेफिनेटली एक एंथम की तरह ही काम करेगा ये गाना, है ना, और लाइक बहुत ही प्रॉपर, जितना मैंने कराची के बारे में ऑनलाइन या जितना भी गानों वानों में सुना उस हिसाब से मुझे बहुत ही ज्यादा टफ प्लेस लगती है, तो उस टफ प्लेस के लिए एक बहुत ही ज्यादा टफ एंथम भाई वाली। लड़के हम कटर कराची, शहर ये कराची, नाके पे हैं लड़के, पापी सीना ठोक के बोलते लड़के, हम कटर कराची, होमीज करते सारे मेरे स्लिक रोल, स्लिक रोल, बैग देता मुझे पूरा क्रिप ब्रो, क्रिप ब्रो, बाइकिया से आता पूरा जिप जो, जिप जो, रखता नहीं मैं लड़के कर जाए स्लिप जो, स्लिप। क्या राइम स्कीम है ब्रो, क्या बढ़िया साउंड कर रहा है, ठीक है, राइम स्कीम से आता जो फ्लो पकड़ा है यहाँ पे वो बहुत सही लग रहा है। मेरे स्लिक रोल, स्लिक रोल, बैग देता मुझे पूरा क्रिप ब्रो, क्रिप ब्रो, बाइकिया से आता पूरा जिप जो, जिप जो, रखता नहीं मैं लड़के कर जाए स्लिप जो, स्लिप जो। सैंक्शन हिट जैसे हम ही सोप्रानोस, ओके ओके ओके, सोप्रानोस का रेफरेंस, ठीक है, वेब सीरीज देखी है, नहीं देखी, वेब सीरीज ही है ना, मूवी है, कौन सी है मुझे नहीं पता, गैंगस्टर मूवी है ये, गैंगस्टर मूवी है, वेब सीरीज है, आई थिंक वेब सीरीज है, नहीं दिखता ब्रो, मेरे पास गाने सुनने के, गाना सुनने के अलावा कोई काम नहीं है भाई, मैं कुछ और नहीं करता, यस आई एम डेड भाई, है ना, लाइक सोशली आई एम डेड, ऑल दीज थिंग्स, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 24 घंटे अपनी जिंदगी गानों में डाल दिया, ब्लेस्ड ब्लेस्ड। Flip your sanction a hit, जैसे हम ही सोप्रानोस, six stones on me bitch, you can call me Thanos, दफना दे फेस टाइम। Thanos देखा है, पर ऐसा नहीं है, ना थोड़ा बहुत देख भी लेते हैं। Sopranos, six stones on me bitch, you can call me Thanos, दफना दे। ये six stones यहाँ पर रेफरेंस किस चीज़ का, मुझे पता है Thanos के पास जो था, क्या था, जो चुटकी बजा के दुनिया खत्म करती थी, जो भी था मुझे नहीं पता, लेकिन साला अंजुम का जो six stones है वो क्या है, अगर कोई इस बार को ब्रेक कर देगा तो बड़ा मजा आएगा, है ना, इसका इसका प्लीज इसको ब्रेक करके कमेंट में बताओ भाई। ऐसे हम ही सोप्रानोस, six stones on me bitch, you can call me Thanos,
दफना दें फेस डाउन तुझे कॉलेज बॉटम्स अप, जब भी गाड़े रैपर तो हिसाब रखें गस गस, लड़के करते गेम सोक ग्रेटनेस को जज्बा, सड़कें नापी कराची की मैंने जैसे मस्ता, उर्दू रैप मोस्ट डेफ फीचर के लिए मस्का, 186 लफ्ज लिखे अब तू मैथ्स कर, 16,000 का तो एक लफ्ज था, भरा मेरा बस्ता, ऑप्स लगे बेबस, जगह सबकी रखी मैं। डैम ब्रो, कब यहाँ पे अंजुम से सैवेज पे स्विच हुआ है? डैम ब्रो इतना फक स्मूथ था। दूसरी चीज, 186 शब्द लिखे थे मैंने और एक शब्द था मेरा 16,000 का, तो आप मैथ्स करो। अरे बाप रे बाप भाई, कितना पैसा बना लिया भाई, और किसको ये वर्ड्स दिया था? गाना था क्या था भाई? क्या था भाई, किसकी आ रहे बात हो रही है यहाँ पे? प्लीज कीड़े भाई लोग बताइए, कीड़े मतलब कि उर्दू रैप के कीड़े है ना, बताइए यहाँ पे किस गाने की बात हो रही है, क्या कुछ बैकड्रॉप पता है इसका? 186 शब्द, 16,000 का एक लफ्ज, के लिए मस्का, एक मस्ट डेफ क्या फीचर्स के लिए मस्का ये कि मैंने जैसे मस्ता, उर्दू रैप मोस्ट डेफ फीचर के लिए मस्का, 186 लफ्ज लिखे अब तू मैथ्स कर, 16,000 का तो एक लफ्ज था, भरा मेरा बस्ता, ऑप्स लगे बेबस, जगह सबकी रखी मैंने नाप के अच्छे गस, पीता वीट लाउड परेशान मेरे नेबर, सुनू तेरी क्यों तू ना वायर, उफ लिसन टू दिस बार ब्रो, लिसन टू दिस बार, गस पीता वीट लाउड परेशान मेरे नेबर, पीता वीट लाउड है ना, बोले तो वीट बहुत ही ज्यादा भयंकर क्वालिटी या व्हाट नॉट, स्मेल वाला, ठीक है, तो पीता वीट लाउड परेशान मेरे नेबर्स, स्मेल से परेशान, लेकिन अगर तुम लाउड को समझो तो लाउड म्यूजिक है ना वो, तो दोनों चीजें मिला के मजे लेते हुए भाई, रखी मैंने नाप के अच्छे गस, पीता वीट लाउड परेशान मेरे नेबर्स, सुनू तेरी क्यों तू ना वायस, ना जोखे ना जे सर, होने इनके सर ना जे सर, सुनू तेरी क्यों तू ना वायस, ना जोखे ना जे सर, जे सर, जे सर किस, जे स्टार पता, जे सर किनको बोला, मेरे नेबर, सुनू तेरी क्यों तू ना वायस, ना जोखे ना जे सर, होने इनके सर कलम, होता नहीं है सच हजम, बैरल और दिमाग बावे अपना सब गरम, अलमदारे हिप हॉप मेरे भाई वाले हक, मेरा शहर ये कराची, ना कहते हैं लड़के पापी सीना, हुक फक है ये, हुक फक है, और इतना दिमाग लगाया ना इसमें अंजुम ने कि हुक खाली दो बार है, ये हुक तीन बार आ सकता था, इनफैक्ट एक गाना भी हुक से ही शुरू हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा जनता को टीज करा जाए ना, है ना, इतना बढ़िया हुक बनाया, खाली गाने के मिडिल में एक बार आएगा, एंड में एक बार आएगा, और ये हुक की चाहत में लौंडा पूरे गाने सुनेंगे, ठीक है, गाना भी अच्छा है, नो डाउट अबाउट दैट, है ना, लेकिन गाने को डिजाइन करते टाइम ये बहुत सही काम करा कि हुक को सिर्फ दो बार रिपीट करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, पूरे गाने बार जी बार डालेंगे, पाप मेरे भाई वाले हक, मेरा शहर ये कराची, ना कहते हैं लड़के पापी सीना, ठोक के बोलते लड़के हम कट्टर कराची, शहर ये कराची, ना कहते हैं लड़के पापी सीना, ठोक के बोलते लड़के हम कट्टर कराची, होमीज करते सारे मेरे स्लिक रोल, आई थॉट गाना खत्म, अच्छा ये स्लिक रोल वाला फिर से आएगा, डैम आई थिंक ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो अंजुम उमेर जब ये लोग मिलकर गाना बना रहे होंगे ना, देट मुझे ऐसा लगता है कि अंजुम और ये दोनों जो है बहुत इंप्रेस हुए होंगे इस वाले पार्ट से, एंड दे मस्ट हैव सेड कि यार एक काम करो यार, इसको जो है ना फिर से रिपीट करो, इट्स जस्ट टू गुड कि एक ही बार ये वाला पार्ट करके खत्म करा जाए, आओ और ये एंड में जब गाना एंड होएगा तो हाफ कट्टर कराची वाला हुक चलेगा, मतलब एक एक पार्ट, और सेकंड पार्ट में हम ये दोबारा स्लिक रोल डालेंगे क्योंकि बहुत ही सिक साउंड कर रहा है, होमीज करते सारे मेरे स्लिक रोल बैग देता मुझे पूरा क्रिप्रो बाइकिया से आता पूरा जिप जो रखता नहीं मैं लड़के कर जाए फ्लिप जो ये रिंगटोन बन सकता है जो भी बज रहा है पार्ट, पैसे गिनने की आवाज आ रही थी ना, आई थिंक ये पैसे गिनने वाली जो मशीन है उसकी आवाज है, ये पैसा गिनने वाली मशीन की आवाज मुझे लग रही है, आई थिंक डैम भाई साहब, डैम भाई यार, गाना तो बहुत ही मजेदार था यार, लाइक टू गुड मैन, टू गुड है ना, और बहुत दिनों बाद मैंने इतने भसड़ वाला कोई गाना सुना, भसड़ का मतलब ये है जिसमें सिर्फ बार्स क्योंकि सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग रोमांटिक गाने क्यों बना रहे हैं, है ना, लाइक वो हार्डकोर हिप हॉप वाला सीन कहाँ गया, है ना, कम ही आर्टिस्ट हैं जो आजकल लाइक हुआ जस्ट फोकसिंग ऑन हार्डकोर, देखो हिप हॉप में भी कमर्शियल हो सकता है राइट, और लाइक हिप हॉप को भी ऐसे करते हैं कि वो कमर्शियल वाइब दे, है ना, और वो मासी हिप हॉप सॉन्ग, लेकिन इस टाइप का जो अंडरग्राउंड वाइब देने वाले फाड़ गाने होते थे
जो आई थिंक 3 साल पहले तक सारे बड़े आर्टिस्ट, सारे जो आज बड़े आर्टिस्ट हैं, जो थोड़े कम बड़े थे तब, है ना, तब वो सारे ड्रॉप करते थे, लेकिन सडनली सबने रोक दिया। आई एम रियली हैप्पी कि ये गाना इन्होंने अपनी ईपी में डाला, एंड भाई बहुत हार्ड गाना भाई मेरा। और ये गाने के कुछ पार्ट तो बहुत बढ़िया, डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ दो सॉन्ग जिनको मैं खाली एक बार नहीं सुनूंगा। तुम्हें पता है, इससे पहले जो मुंडे बिजी गाना आया था, मैंने मुंडे बिजी रिएक्शन के बाद एक भी बार नहीं सुना। आई डोंट नो, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं दूसरे गाने सुन रहा था, बट ये गाना फॉर श्योर मेरी प्लेलिस्ट में जाएगा, है ना। और है भाई जब प्रॉपर हिप हॉप बैंग करने का मन करेगा मुझे, नया गाना कोई हो, ये वो गाना है। तुम लोग गाना कैसा लगा, कैसा नहीं लगा कमेंट्स में बताओ, कुछ बार्स फाड़ वाली बार्स मुझे बता दो भाई, मैंने बहुत बहुत सारी चीज़ें मिस करी हैं इस गाने में। गेम बनाता जैसे आई से कुछ बोला था, और सिक्स स्टोन्स क्या मुझे प्लीज बता दो, जो भी तुम लोगों को पता है इस गाने के बारे में कमेंट्स में बताओ। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो, कर लो, आईडी का नाम @ofikino। बाय, पीस।